इसकी मैं चलती हुई डेमो वीडियो भी दिखाऊंगा कि कहां ये कैसे वर्क होता है। इसका देख पा रहे होंगे ये कुंडा में माल डाल रहा है, उसमें से कंक्रीट निकल रहा है। अब इसे क्रेन उठा के देखिए ऊपर ले जा रही है किस तरह से। ये क्रेन कोलम के पास ले जाएगी जाने के लिए, और ये देखिए अभी एकदम लास्ट में चली जाएगी। वाला का बोर्ड लगा हुआ है एकदम, आप जब भी आएंगे तो यही चीजें दिखाई देंगी, यही लोकेशन दिखाई देगा और यही सब दिखाई देंगे और ऑफिस में यही संजीव कुमार। नमस्कार, मैं संजीव कुमार मशीन वाला भी है, मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। देख पा रहे होंगे टावर क्रेन की बॉकेट, जिसके बारे में मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई है। आज मैंने कहा कि बनाई देते हैं कि ये किस काम में आते हैं। पीले पीले ये एकदम सांड की तरह बड़ा बड़ा, ये देखिए हाथी की तरह ये छोटा सा। तो ये 0.5 MQ का है और ये 1 MQ का है। वीडियो के लास्ट बने पूरे डिटेल से जानकारी दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हरि का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेके वीडियो के लास्ट बने रहिए। देख पा रहे हो एकदम ऑन रोड पे वीडियो बना रहे हैं हम, एकदम कंपनी के गेट के बाहर। और ये एकदम यहीं पे आप देख पा रहे मशीन वाला का बोर्ड लगा हुआ है एकदम, आप जब भी आएंगे तो यही चीजें दिखाई देंगी, यही लोकेशन दिखाई देगा और यही सब दिखाई देंगे और ऑफिस में यही संजीव कुमार भी दिखाई देगा। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। तो ये देख पा रहे होंगे टावर क्रेन की बॉकेट को चारों तरफ से दिखाओ, ये मशीनें रखी हुई है, इधर से भी दिखाओ। इसकी मैं चलती हुई डेमो वीडियो भी दिखाऊंगा कि कहां ये कैसे वर्क होता है। इसका देख पा रहे होंगे ये कुंडा, ये जो इसका ये कुंडा बना हुआ है, इससे क्या है जो 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें बनती हैं या फ्लाईओवर पुल बनता है देख पा रहे होंगे, तो उस पर क्या है कंक्रीट को डालने के लिए टीएम में माल आता है और इसके अंदर टीएम माल भर देता है और क्रेन इसको टांग लेती है। टांगने के बाद इसको क्या है कॉलम में माल भरा चल रहा है और कंक्रीट बकेट में माल डाल रहा है, उसमें से कंक्रीट निकल रहा है। अब इसे क्रेन उठा के देखिए ऊपर ले जा रही है किस तरह से। ये क्रेन कॉलम के पास ले जाएगी उठा के और वहां पे एकदम लाइव देखिए एकदम माल डालेगी किस तरह से, डिजाइन मिक्स करा हुआ और फास्ट वर्क होगा इसमें, सेफ्टी से वर्क होगा, लेबरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, एम्प्लॉइज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए किस तरह से ये कॉलम लगे हुए हैं, एल्युमिनियम के बॉक्स लगे हुए हैं, उसके अंदर क्या है ये कॉलम बॉक्स में देखिए माल डलेगा। यहाँ पे इसका मुंह मिला दिया और इसके अंदर इसका ये मुंह खोलते ही उसके अंदर माल फीड करने लगा, यानी आसानी से बड़े कॉलम, अगर ज़्यादा कॉलम हो या पुल का वर्क कर रहे हो तो इस बॉकेट की सहायता से आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से वहाँ पर मिला दिया ये देखिए, और इसी से पहले कॉलम और बीम तैयार हो जाती है, फिर जाके ईंटों से सजा दिया जाता है। देखिए किस तरह से वो भर रहे हैं और अब उसके अंदर माल भर रहा है फटाफट कॉलम में, यानी ये बहुत ही अच्छी सुविधा होती है इस टावर क्रेन की बॉकेट से काम करने में। अगर पुल बना रहे हो या घर बना रहे हैं उसमें न्यू पहले डालनी है, कॉलम डालनी है तो कॉलम डालने के लिए है। अगर आपके पास क्रेन नहीं है तो क्रेन किराए पे ले सकते हैं, नहीं तो यही टावर क्रेन है जिससे ये चल रही थी। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से टावर क्रेन से ये काम होता है और किस तरह से ये काम करती है, देख पा रहे होंगे आप। ये मैंने वीडियो YouTube से ली है, इसमें मर्ज करके आपको समझाने के लिए मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये बना के डाला है। और ये देखिए टावर क्रेन किस तरह से है, होती है इस तरह की टावर क्रेन होती है। यहाँ पे ये माल डल जाएगा और ये खाली करते ही एकदम अब चल देगा, ये वहाँ से हटा देगा खाली करते। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मैं देखते ही सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस नॉलेज में और क्या मैं जोड़ सकता हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ये आपके छोटे भाई का रिक्वेस्ट ज़रूर आप मानिएगा। ये वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मांगी है। देखिए इसी तरह से ये लाइव डेमो करती है, मैंने छोटी सी क्लिप इसमें डाली है उसके आपको समझाने के लिए। और ये देखिए अभी एकदम लास्ट में चली जाएगी और वहाँ पे फिर उतार पीछे से ये खुल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये बोल्ट खुल जाएगा और खुल के जैसे ही हम इसे दबाएंगे तो इस ये ऊपर उठेगा। देखिए इसे हम टावर क्रेन की बॉकेट कहते हैं। देखिए ये देखिए आगे कैसे मुँह खुल रहा है, दिखाओ। ये देखिए ये इस तरह से वर्क करता है, ये इस तरह से वर्क करता है, इसमें माल भरा रहता है और जब हम पीछे से दबाएंगे तो ये माल कॉलम के अंदर गिरेगा एकदम और उसको पूरा आसानी से भर देगा। कॉलम भरने के लिए ज़्यादातर यूज होता है, ये एक छोटे साइज का है जो देख पा रहे होंगे आप, ये 0.5 MQ का है और ये 1 MQ का है। और ये पुल बनाने के लिए क्रेन से भी टांग के, जिसके पास टावर क्रेन का बजट नहीं रहता है वो क्रेन किराए पे ले लेता है, उससे भी लेके कर लेता है। टावर क्रेन कम से कम 80-90 लाख रुपए की आती है, पर उस सिचुएशन में अगर आप छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं और पुल का काम कर रहे हैं तो लेबर कब तक तसले से माल लेके चढ़ाती रहेगी, तो उसके लिए क्या है ये बॉकेट काम में आते हैं। पीछे से दिखाओ कैसा है, नीचे उतर के
उधर से पूरा चारों तरफ से दिखा दो कैसे वर्क करती है। देखिए ये इस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये बड़ा है हाथी, ये एकदम ये 1 MQ का माल आएगा। 1 MQ में कम से कम आप मान जानते ही ये 2400-2500 किलो माल होता है, यानी 2-2.5 टन की माल होता है। और ये 0.5 MQ का है जो यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए बोल्ट लगा दिए और बहुत ही एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी में बहुत सेफ्टी से बनाया जाता है। ये देखिए ये छोटा वाला है जो 0.5 MQ का है, तो बहुत ही अच्छा ये काम आएगा और अपने बिजनेस में आप जल्दी जल्दी फास्ट वर्क कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मशीनें क्या, ये तो बॉकेट है, एक उपकरण है। तो कैसी लगा ये बॉकेट और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से। दिख दिख।